तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु सिंह। और गाइस, आज जो है हम अपनी सिटी के रॉयल इनफील्ड शोरूम श्री विजय ऑटोमोबाइल्स में है। और आज जो हमारे साथ बाइक है वो है रॉयल इनफील्ड की गुरिल्ला 450। ये जो है गाइस हिमालयन 450 जो है उसी का इंजन जो है शेरपा इंजन उसी का लगा हुआ है। और हिमालयन 450 लॉन्च होने के बाद जो है गुरिल्ला को लॉन्च किया गया है। कंपनी जो है ऐसा नाम लॉन्च करती है ना कि स्पेलिंग में भी जो है वो मिस्टेक हो जाता है कि गुरिल्ला या गुरिल्ला। ये जो है इसका नाम जो है वो है गुरिल्ला। और बाइक आपके पास ये देख सकते हैं, ये जो है फ्लैश मॉडल में है। फ्लैश मॉडल में आपका ये जो कलर है ब्रावा ब्लू कलर है, व्हाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आपको देता है। और डिज़ाइन भी इसका आप देख सकते हैं, डिज़ाइन जो है इसका एक सिटी बाइक के हिसाब से, रोड स्टार बाइक के हिसाब से किया गया है। तो इस बाइक का जो है हम लोग रिव्यू आज आपको बताएंगे कि इसमें आपको जो है इंजन कौन सा देखने को मिलेगा, एक शोरूम प्राइस प्लस फीचर ऑल टोटल चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है रॉयल एनफील्ड के गुरिल्ला 450 ब्रेवा ब्लू कलर। और ये टॉप मॉडल में आता है आपका फ्लैश में। इसमें तीन वेरिएंट आता है, एक जो है लो वेरिएंट है, उसके बाद डैश, उसके बाद ये फ्लैश। तो गुरिल्ला का ये कलर जो है वो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि वाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। एलॉय व्हील जो है उसके इसके जो है वो आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगा, प्लस रियर एलॉय व्हील जो है वो ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। एग्जॉस्ट आपको वही हिमालयन वाला देखने को मिलेगा। इंजन भी आपको वही हिमालयन 450 का देखने को मिलेगा। बाकी डिज़ाइन आप खुद देख सकते हैं, टैंक का डिज़ाइन आप अगर देखेंगे यहाँ पे सीट के पास से, आप जब इसको बैठेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्लैट सा डिज़ाइन आपको मिलेगा। E20 फ्यूल का सपोर्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो है हैंडल बार डिज़ाइन और रियर डिज़ाइन आपको वही, यहाँ पे आपको टेल लैम्प जो है वही एक साथ जो न्यू डिज़ाइन में इंडिकेटर प्लस टेल लाइट का कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, जो कि हिमालयन 450 में देखने को मिलता है। और ये रियर डिज़ाइन हो गया हिमालयन, और इसमें कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। तो फ्रेंड्स, रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450 में भी आपको वही हिमालयन का इंजन देखने को मिलेगा। शेरपा इंजन 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वेल्व FI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 पे बना हुआ है। और इसका पावर का अगर हम बात करें मैक्स पावर की, तो ये आपको 39.47 BHP जो है जनरेट करता है, ऑलमोस्ट 40 BHP ही। और टॉर्क जो है इसका मैक्स टॉर्क वो भी आपको 40 Nm का देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। और इसमें कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो है लिक्विड कूल का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपका जो है वो हीटिंग इशू ना मिले लॉन्ग राइड करने के टाइम। बाकी इंजन जो है इसका न्यू इंजन है और काफ़ी अच्छा इंजन, पावरफुल इंजन है। आप अगर दूसरे वीडियो में देखेंगे जहाँ पे, और यूट्यूब में और भी वीडियो है इसके रेसिंग वगैरह, रेस वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह के, वहाँ पे आपको इसका पावर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके टैंक डिज़ाइन की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। इस तरीके रॉयल इनफील्ड का आपको जो है यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। और टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो आपको 11 लीटर का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। E20 फ्यूल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। माइलेज की अगर हम गुरिल्ला की माइलेज की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर के अंदर आपको जो है इसका माइलेज देखने को मिल जाएगा। बाकी और इसके फ्रंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, फ्रंट में आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बाइक के फ्रंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, जो कुछ इस तरीके का शेप में आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, जो कि राउंड शेप में आपको मिलेगा, और बीच में जो है R का लोगो देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जबकि हिमालयन 450 में आपको USD देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट चेंज हो गया आपका कि गुरिल्ला 450 में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन जो है वो पूरा कवर किया हुआ है, ताकि डस्ट वगैरह जो है इसके सस्पेंशन के अंदर ना जाए और आपका जो है सस्पेंशन लीकेज वगैरह
ना हो। और यहाँ पे ये बाइक जो है गाइस डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है, और फ्रंट की तरफ जो डिस्क है फ्रेंड्स वो आपको 310 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा। 17 इंच का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा ब्लू कलर में, और टायर की बात करें तो 120/70 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में फ्रेंड्स आपको असिस्ट प्लस स्लीपर क्लच का भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। और ये है फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला की रियर लुक। रियर में यहाँ पे आपको टेल लैंप जो है वो अलग से नहीं, यहाँ पे न्यू डिजाइन जो है वो टेल लैंप इस तरीके का देखने को मिलेगा। इंडिकेटर उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। इसमें अलग से टेल लैंप नहीं आता है, ये जो है न्यू डिजाइन है जो काफी यूनिक आपको लगेगा। और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जो लाइट है वो भी आपको एलईडी देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे रियर जो डिस्क है वो आपको 270 mm का डिस्क साइज देखने को मिल जाएगा, 17 इंच का। वही आपको फ्रंट और रियर जो है अलॉय व्हील सेम 17 इंच का देखने को मिल जाएगा। टायर साइज की अगर हम बात करें तो 160/60 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा, जिसका ग्रिप जो है वो काफी अच्छा दिया हुआ है। और टायर आप देख सकते हैं कितना वाइड टायर है, जिससे कि आप जो है कॉर्निंग वगैरह करेंगे तो आपको अच्छा ग्रिप मिल जाएगा। और इस बाइक में फ्रेंड्स जो है दो राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, इको प्लस परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे हम अगर इसके मीटर देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, जिसका फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। उससे पहले मैं आपको इसका रियर सस्पेंशन बताना भूल गया, वो मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा रियर में। और एग्जॉस्ट जो है कुछ इस तरीके का शेप में आपको देखने को मिलेगा डिजाइन में, जिसका साउंड मैं आपको वीडियो में आगे वो दिखाऊंगा। अगर हम मैं इसके फुटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे ये जो है पिलियन फुटरेस्ट है, और ये जो है राइडर फुटरेस्ट है जिसमें रबराइज डिजाइन किया हुआ है, जिससे कि आपका ग्रिप जो है वो अच्छे से बना रहे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो फ्रेंड्स ये है रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का हैंडल बार। हैंडल बार वाइड होने के कारण आपको जो है राइडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा और स्मूथ राइडिंग आपका होने वाला है। तो लेफ्ट हैंडल बार में जो स्विच है फ्रेंड्स वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे जो है यहां पे एक जॉयस्टिक टाइप का आपको जो है वो मिलेगा, वो मीटर कंट्रोल के लिए है आपका। और यहाँ पे हॉर्न स्विच है उसी के बगल में, और उसके ऊपर जो आपको इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम प्लस पासिंग लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा। और सामने की तरफ जो है यहाँ पे फ्रेंड्स आपको होम बटन देखने को मिल जाएगा, जो कि मीटर में आपका मीटर कंट्रोल के लिए काम आएगा। और मैं अगर राइट हैंडल बार की बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको मोड स्विच एम स्विच जो है वो मोड स्विच है वो देखने को मिलेगा, प्लस सेल्फ स्टार्ट और जो है इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। और सामने की तरफ जो है आपको यहाँ पे हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है हैंडल बार के नीचे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे चार्जिंग की भी सुविधा इस बाइक में मिल जाएगी, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है ये न्यू एकदम आपको देखने को मिलता है टाइप सी चार्जिंग, टाइप सी टू टाइप सी जो है आपको जो फोन में मिलता है वो आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे यूएसबी नहीं मिलता है, टाइप सी मिलता है। तो ये एक नया फीचर है जो काफी अच्छा मुझे लगा। और मैं अगर इसका की दिखाऊं आपको तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसका की है, वेब की है इसमें। और अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए इसका जो है मीटर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुरिल्ला लिखा हुआ आ गया। फुल्ली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है इसका अभी जो है डिजिटल मोड किया हुआ है, इसमें आप एनालॉग मोड भी कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे आपको एक जो कांटा होता है ना एनालॉग का वो आपको शो होगा, जिसमें और आप एनालॉग वाला फील भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ये बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो टाइम शो होता है, टेम्परेचर, उसके बाद आपका ट्रिप वन है, यहाँ पे आपका जो है एबीएस शो होता है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपका माइलेज शो होता है, और फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, चेक इंजन, यहाँ पे लाइट आपको दिख रहा होगा, और भी कई सारे ऑप्शन है। और मोड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस मोड, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे इको मोड, दो मोड इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस मोड और इको मोड। और मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें क्लिक किया सेटिंग एपरेंस, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिप वन, उसके बाद ट्रिप टू, ये सब सारे चीजें जो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद मैं और आगे जाऊँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे ऑटो, डार्क थीम, ये सब चीजें हैं। और भी यहाँ पे ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन टाइप में आप जाइए, यहाँ पे एनालॉग क्लिक कीजिए, और ये देखिए
एनालॉग वाला फील आपको हो जाएगा, जो काफी अच्छा लगेगा आपको देखने में, अगर आप एनालॉग वाला फील लेना चाहें तो। और यहाँ पे मैं सिंपली फिर डिजिटल में कर दूंगा, तो ये डिजिटल मोड में चला गया। और मैं फिर दूसरे चीज आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल सिस्टम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन और फेवरेट्स, तो काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। गूगल मैप का भी आपको जो है सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। तो फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है। क्लॉक वगैरह है, आप टाइम वगैरह जो है इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड टू डिस्टेंस, फ्यूल पॉन्स, उसके बाद टेम्परेचर, लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। और मैं अगर देखूँ तो इन्फॉर्मेशन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन, फ्रेमवेयर, और मैं और दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे माई व्हीकल में अगर मैं दिखाऊँ आपको, ट्रिप वन, ट्रिप टू, फ्यूल रेंज, उसके बाद यहाँ पे जो है आप सेट कर सकते हैं बैटरी गेज, सर्विस ड्यू, इन इंजन टेम्परेचर, ये सारे चीजें जो है आपको शो होते हैं। तो मतलब कि आपको काफी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स होने, और आप मोबाइल ऐप से कनेक्ट कीजिएगा ना इसको, तो और भी फीचर्स आपको मोबाइल ऐप में भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला की आपको जो है एग्जॉस्ट नोट जो है इसका वो सुनाते हैं कि कैसा मिलता है। तो फर्स्ट जो है इसमें बाइक स्टार्ट करता है, तो अभी बाइक स्टार्ट है और इंजन साउंड, अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन लेंगे क्योंकि शोरूम के अंदर है, तो ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफ़ी आपको लाउड देखने को मिलेगा, बेस मिलेगा इसके एग्जॉस्ट से। तो आरपीएम जब हाई आरपीएम में जाइए, मैंने तो थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा एग्जॉस्ट एक्सेलेरेटर लिया, आप ज़्यादा एक्सेलेरेशन जब लेंगे ना तो और एग्जॉस्ट नोट जो है और लाउड आपको मिलेगा और बेसी साउंड आपको मिल जाएगा इसके एग्जॉस्ट से। और सीट की बात करें तो इसका सीट जो है फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, सीट कंफर्टेबल सीट आपको मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छा है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा या इस साइड में और इस साइड में। अब चलिए इस बाइक में बैठ के दिखाते हैं कि राइडिंग पोजीशन आपको कैसा मिलता है, प्लस सीट हाइट आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं गोरिल्ला 450 में बैठा हुआ हूँ और राइडिंग पोजीशन आप देख सकते हैं स्ट्रेट पोजीशन है, मुझे आगे की तरफ जो वो डाउन नहीं होना पड़ रहा है, जिससे कि लॉन्ग राइड में कोई दिक्कत नहीं होगा, बैक पेन वगैरह आपको जो है वो महसूस नहीं होगा। प्लस हैंडल बार जो है वो वाइड होने के कारण आपको जो है और अच्छा लगेगा, स्मूथ लगेगा, मतलब राइड करने में आपको स्मूथ फील होगा, प्लस कंफर्टेबल फील होगा। तो अच्छा खासा आपको जो है सीटिंग पोजीशन मिल जाएगा, प्लस सीट कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, सीटिंग की कुशनिंग जो है वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं अगर इसके सीट हाइट की बात करूं तो वो काफ़ी आपको जो है वो सीट हाइट सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है शॉर्ट राइडर के लिए भी अच्छा रहेगा, जिसकी हाइट जो है 5'2" 3'4" के आसपास है, वो भी इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीट हाइट है ना वो 780 mm का सीट हाइट है। काफ़ी आपको जो है नीचा सीट देखने को मिलता है, जबकि हिमालयन में जो है आपको सबसे लो सीट वेरिएंट है ना वो आपको 805 mm का देखने को मिलेगा, जबकि गुरिल्ला में आपको जो है 780 mm का सीट हाइट देखने को मिलेगा। और मेरे पैर जो है वो देखिए अच्छे तरीके से जो है वो पहुंच जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें बैठने पर, या फिर इसमें जो है इसको राइड करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 169 जो है mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस हिमालयन के मुकाबले इसमें जो है वो कम थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन ये बाइक जो है वो सिटी के लिए बनी हुई है लॉन्ग, और आप टूरिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टूरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेन सिटी के लिए जो बनाया गया है इसलिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ा सा कम रखा गया है। बाकी इसका वेट की बात करें, कर्व वेट की, तो आपको जो है 185 kg का इसका कर्व वेट देखने को मिल जाएगा गोरिल्ला 450 का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एक शोरूम प्राइस की। तो फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का टॉप मॉडल ये है, फ्लैश मॉडल, तो इसका अगर हम बात करें एक शोरूम प्राइस की तो आपको 2,54,000 जो है इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 3 lakh मान के चलिए, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके स्टेट और सिटी के ऊपर। यहाँ पे जो है वो 3 lakh के आसपास आपको देखने को
मिल जाएगा, थोड़ा कम से कम, थोड़ा ज्यादा कम बेसी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो बाइक जो है ओवरऑल फ्रेंड्स काफी अच्छी बाइक है, यहाँ पे क्रूजिंग प्लस रोड के लिए वो भी काफी सही बाइक बनाया है रॉयल एनफील्ड ने। इंजन जो है काफी पावरफुल इंजन है, लिक्विड कूल की टेक्नोलॉजी है, डुअल चैनल ABS है, उसके बाद सीट हाइट भी कम है, प्लस आपको फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा जिसमें भरपूर फीचर्स है। टाइप सी आपको मेन यहाँ पे जो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, और जो है एग्जॉस्ट नोट भी काफी इसका अच्छा है। तो बाइक ओवरऑल जो है काफी अच्छी निकल के आ जाती है, तो आप इसको जो है वो जरूर ले सकते हैं। और अगर आप हमारे पाकुड़ सिटी के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप श्री विजय ऑटोमोबाइल में कांटेक्ट कर सकते हैं, शोरूम विजिट कर सकते हैं, और गोरिल्ला 450 को जो है बुक कर सकते हैं। अभी जो है अगर आप शोरूम आते हैं तो आपको इसका टेस्ट राइड भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताएं कमेंट करके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।